अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत, इसमें कुछ भी तब्दील नहीं हुआ है। करप्शन के निज़ाम से लेकर माशी बदहाली तक हर बुराई में इजाफा ही हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट 2021 के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम ने पुलिस को सबसे करप्ट तरीन इदारा करार दिया है। लोगों की राय में अदलिया करप्शन में दूसरे नंबर पर है। तीसरा नंबर टेंडर्स और ठेके देने वालों का है। सेहत चौथे नंबर पर है। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन पाँचवें नंबर पर है। लोकल गवर्नमेंट छठे नंबर पर है। तालीम सातवें नंबर पर है। टैक्सेशन आठवें और एनजीओज बदउनवानी में नवे नंबर पर है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब तक ना नाज़रीन जुडिशल रिफॉर्म्स ला सकी है और ना ही पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स लाने में कामयाब हुई है। अलबत्ता आईजीज की तब्दीली में ज़रूर महारत हासिल कर चुकी है। अब इसी सर्वे के मुताबिक नाज़रीन पाकिस्तानियों से सवाल हुआ कि किस दौर में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई, तो 2.5% लोगों की जो राय है वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। 4.5% लोगों की राय के मुताबिक नून लीग के दौर में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। लेकिन ज़रा गौर से सुनिए, दिल थाम के सुनिए, 92% लोगों की राय है कि सबसे ज़्यादा महंगाई तहरीके इंसाफ के दौर में हुई है। 85% अफराद के मुताबिक पिछले 3 साल में उनकी आमदनी बढ़ने के बजाय कम हुई है। 85% अफराद तहरीक इंसाफ की हुकूमत की खुद एहतसाबी से मुतमईन नहीं है। 60% से जायद की राय है कि एहतसाब का अमल जानबदाराना है। ये पहला सर्वे नहीं है नाज़रीन जो मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ा सवालिया निशान साबित हो रहा हो। माशी सूरत हाल हो या करप्शन की बात, पाकिस्तानियों की राय मौजूदा हुकूमत के हक में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब लेट्स सी के जो हुकूमत के लोग हैं वो इस बात पर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। आलिया हमज़ा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, मैं खुशामदीद आपको कहूँगी। आलिया साहिबा, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा? आज भी आवाम का जो तसव्वुर है कि पुलिस और अदलिया करप्ट तरीन इदारे हैं, क्यों मैडम तहरीक इंसाफ इन इदारों में तब्दीली लाने में नाकाम रही है? हालांकि नारे रहे हैं आप लोगों के रिफॉर्म्स के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, हम ना नारों से पीछे हटेंगे ना मेहनत करने से पीछे हटेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि जुडिशरी और पुलिस के बारे में अवाम के ये परसेप्शन क्यों है। इसलिए परसेप्शन है कि जब यहाँ पर एक आम चोर उसको मार मार कर अदमुआ कर दिया जाए और उसको तारीखों पर तारीखें मिलें और उसको इंसाफ मिलने में इतनी देर हो जाए, और यहाँ पर एक आपका जिसे कह लेना कि मतलब जो प्रूफ कन्विक्टेड मुजरिम है वो 5 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर बीमारी का बहाना बनाकर पूरे अवाम की आंखों में धूल झोंक कर बाहर लंदन फरार हो जाए, उसकी बेटी जो तीमारदारी के लिए यहाँ पर जो तीमारदारी के ऊपर जमानत लेकर बैठी हैं और जो इदारों को और अदलिया पर वो जिस तरह के हमले करी हैं और उसके बाद भी उनकी जमानत ना जो है वो ख़त्म की जाए, और जो अपोजिशन लीडर जो जमानती थे और ख़ुद जो है इस वक्त आपको भी पता है कि उनके खिलाफ वादा माफ गवाह पेश हो रहे हैं लेकिन उन्हें तारीखों पर तारीखें मिल रही हैं, तो अवाम का इस सिस्टम के ऊपर से एतमाद उठना जो है वो कोई इसमें मुझे तो कोई हैरत की बात नहीं हुई है। और जहां पर ये जो पुलिस का सिस्टम है, हमने केपीके में 5 साल में रिफॉर्म्स किए थे और वही रिफॉर्म्स हम पंजाब में इंप्लीमेंट करना चाहते थे, लेकिन आपको पता है कि 90s की दहाइयों से यहां पर जो निचले लेवल से जितने दहशतगर्द जितने मुजरिम थे जो स्ट्रीट क्राइम करने वाले थे, क्रिमिनल्स थे, जो आज कहीं पर SHO लगा होगा, कहीं पर वो जो है इन ओहदों तक पहुंच चुके होंगे, और जिस मुल्क में रवैया हो के राव अनवार जैसों को बहादुर बच्चा कहा जाता हो, टाइम लगेगा लेकिन ना हम अपने वादे से पीछे हटेंगे। अफसोस सिर्फ इस चीज का होता है, वही अवाम उस बात को फील करती है कि 18 महीने बाद जब मरियम बीबी को एक तारीख मिलती है तो उसके बाद अदारों पर अटैक शुरू हो जाते हैं, और उस वक्त भी क्या मुझे एक बात बता दे, मुझे मसला सामने आता है। आईजीज आप लोग धड़ाधड़ तब्दील कर चुके हैं लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो पुराना और फरसूदा और बोसीदा निज़ाम चला रहा है इसकी वजह से लोगों का परसेप्शन ये है, यानी अभी भी ये वाली जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अच्छा आलिया, तमाम सर्वेज में हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, सवाल लीजिए ना, तमाम सर्वेज में आवाम कह रहे हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है ना वो महंगाई है, मुल्क की माशी समत भी गलत बताई जा रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इन तमाम परसेप्शन के बावजूद वजीर आजम कह रहे हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। आलिया
देखें बात किरण वही वाली बात है, बात सिर्फ समझने की है और हम बिल्कुल हम ये कहीं नहीं कहते कि अवाम अवाम हमारे अपने लोग हैं, हमें उनके साथ पूरी हमदर्दी है, बट ये सारी अगेन वही वाली बात है कि जब एक मुल्क के अंदर 4 महीनों में $20 बिलियन की चीज़ें हम इम्पोर्ट कर लें, जिसके अंदर हमारे खाने की चीज़ें भी हों, हम कहते हैं कि उसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। देखिए मैं एक छोटा सा फिगर जो समझने के लिए, हमने 4 महीने के अंदर जुलाई से नवम्बर तक हाइस्ट अपनी एक्सपोर्ट कर दी $12 बिलियन की, सर्विसेज में मिला दूं तकरीबन $15 बिलियन की हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, रिमिटेंसेस हम 10.55 बिलियन डॉलर का ले आते हैं हमारा जो आ जाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे साथ क्या होता है, हमारी इंपोर्ट्स हैं, खाने की इंपोर्ट, चीज़ें इंपोर्ट, तभी तो हम कहते हैं कि इस मुल्क में जो महंगाई की बेसिक जड़ है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता महंगाई कम होगी, उसका रीजन ये है कि हम जो चीजें इम्पोर्ट करें, लेकिन जब आप लोग महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम होने की बात करते हैं ना, फिर उस वक्त आलिया फिर उस वक्त दोबारा ग्राफ मजीद बढ़ जाता है। साथ ही मौजूद रही है मुस्लिम लीग नून से भी मेहमान मिले, बढ़ेगा जी बेस्ट, अब चले वेरी गुड। अगर ग्राफ अब नहीं बढ़ेगा इस बात के बाद, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून से, मैं शुक्रगुजार हूँ सर आपके वक्त की। सर पुलिस और अदलिया में रिफॉर्म्स ऐसे मसले रहे हैं जो सालों से चल रहे हैं, मुस्लिम लीग नून सर अपने दौर में वाज़े अक्सरियत के साथ असेंबली में मौजूद थी, लेकिन ये रिफॉर्म सर उस वक्त भी नहीं की गई, इस राह में ऐसी कौन सी रुकावट है सर जो हमारे सियासतदान कतराते हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है और जो हम बात कर रहे हैं कि देखें ये रिपोर्ट तो बड़ी अरसा पहले शाया हुई हुई है, मतलब शायद इन्होंने अभी प्रिंट की, और ये कैसे शाया हुई हुई है ये बात हम हर प्रोग्राम हर उस चीज़ के ऊपर हर प्लेटफॉर्म पे करते हैं कि देखें पहले उसमें आपने क्या बात की कि आपने बात की पुलिस और इंस्टीट्यूशंस और इनकी इंस्टीट्यूशनल करप्शन की बात की। इंस्टीट्यूशनल करप्शन जब आप उठाते हैं इंटरनेशनल फोरम में CPI करप्शन प्राइस इंडेक्स, करप्शन प्राइस इंडेक्स में हम जब हुकूमत छोड़ के गए थे तो हम 119 नंबर पर थे, आज 4 साल पूरे होने के बाद पाकिस्तान 124th नंबर पे आ गया है। ये किसकी गलती है कि हम 5 पॉइंट्स ऊपर चले गए हैं? ये इदारों की करप्शन की बात ही कर रहे हैं, जहां पटवारी पैसे लिए बगैर काम नहीं कर रहा, जहां 1 रुपए का काम 6 रुपए पे हो रहा है, जहां हर बंदा पॉलिटिकली इंस्टिगेटेड है, पॉलिटिकली इंसाइट है, और आपका अपना सुप्रीम कोर्ट कहता है इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि दे आर बींग यूज फ्रॉम आर्म ट्विस्टिंग, ये वर्ड्स हैं, एंड पॉलिटिकल मैनेजमेंट, वो साद रफीक का केस हो या किसी और का हो। फिर मेरी बहन ने यहां बात की पुलिस रिफॉर्म्स की, मुझे जरा बताएं कि पुलिस रिफॉर्म्स, मेरा दिमाग जहां तक आता है, मैं शायद पॉइंट्स लिख नहीं सका पहले, एक विसल ब्लोअर एक्ट था जो KPK मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, जिसपे करोड़ों रुपए लगाए गए थे, जिसके ऊपर इसी तरह इन्होंने 3 और एक्ट इस तरह बनाए थे, जो ऑनलाइन FIR सिस्टम वहां ने जो रोड के ऊपर खड़ा करके शुरू की थी। मुझे बताएं कि विसल ब्लोअर एक्ट के तहत इन्होंने कितना पैसा जमा कर लिया है, इन्होंने कितना पैसा गेन कर लिया, और कौन से रिफॉर्म्स जो हैं उनकी वजह से आप कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है, एक रिपोर्ट मुझे बता दें जो कहे कि इनकी सिम्त बेहतर हो गई है, या उसमें आपकी पुलिसिंग या इदारों की मैनेजमेंट बेहतर हो गई है, इनके पास कोई सी चीज का जवाब नहीं। सर, दूसरा सर, मेरी बहन ने बोला ये बात दुरुस्त है, करप्शन के सर आधार शुमार बड़े हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पिछले रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी, लेकिन मैं अगेन वही सवाल कर रही थी सर कि ये चीजें आपके दौर में भी ये रिफॉर्म्स नहीं हो सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये नारे लगाकर इस हुकूमत में आई है लेकिन ये भी वो रिफॉर्म्स नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे रुकावट है क्या, क्यों नहीं हो पा रही है ये रिफॉर्म्स? देखिये पाकिस्तान मुस्लिम आप ना एक आपका एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड क्या होता है कि चीज बेहतर हो रही है बुरी हो रही है। हम महंगाई की अगर बात करें ना, इन रिफॉर्म्स को छोड़ दें, तो हमारा पहला साल ट्रेंड था 8.1, अगला साल था 4.5, फिर उससे अगला साल था 3.5, हमारा ट्रेंड नीचे आ रहा था। PTI के पहले साल में 6.8, क्यों छोड़ अगले साल आपका 10.7, पुलिस का इनका रिफॉर्म्स को कैसे छोड़ दें सर? सर नहीं, करप्ट तरीन इदारा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि शायद ये तो मैं एग्जैक्टली ना कह सकूं, लेकिन सबसे करप्ट तरीन इदारा है ये हुकूमत के खुद अपने नुमाइंदे, जो उनको अपनी मर्जी से मनूवर करते हैं,
जो ऑफिसर्स, ऑनरेबल ऑफिसर्स जो CSS के एग्जाम्स दे के अपनी मेहनत करके उन पोजीशन से आते हैं, उनको पॉलिटिकली इंसाइट करते हैं, ये पॉलिटिकली मैनूवरिंग करते हैं, और फिर सिर्फ इससे होता क्या कि पूरा इदारा बदनाम होता है। ये हुकूमत की नुमाइंदगी है, ये हुकूमत का काम है। इन्होंने एक्सपोर्ट्स की बात की, मैं आप एक और चीज की बात करता हूँ, क्योंकि इन्होंने चार चीजें की। इन्होंने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है 12 मिलियन। मेरा एक आर्टिकल है, इसको ये पढ़े, जिसमें मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया हुआ है। सर, आपकी बात का जवाब, विसल ब्लोअर एक्ट की भी आपने बात की, उसका भी पूछ लेती हूँ कि कोई आदाद शुमार है आपके पास। जी रिस्पॉन्ड कीजिए गालिया। किरण, इन्होंने बड़ी अच्छी मेरे भाई ने बात की है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी ना कि जिस जगह पर मतलब जहां पर ये इस बात को जायज कहा जाता हो ना, खाता है तो लगाता भी है। इस फलसफे पर ईमान लाने वाले लोग हो ना, जहां पर वोट 2000 के अंदर खरीदा जा रहा हो ना, वहां पर ये अगर हमसे ये एक्सपेक्ट करें कि इनके 40 साल फलसफे को हम तब्दील कर लेंगे 3 सालों के अंदर, मतलब मैं आपको आज आपने फैसलाबाद वाली एक वीडियो देखी होगी, उसमें आपने औरतों का जो हाल होगा, ये कहां से तकनीक आई है? जरा सोचिएगा और जरा समझिएगा, ये वही ड्रामा है जो नवाज शरीफ प्लेटलेट्स गिरने का करते हैं, ये वही ड्रामा है जो जरदारी साहब अपने आधा जो है ना जहनी मरीज होने का या जबान कटने का करते हैं, या शहबाज शरीफ साहब जो है अपने कमर के ड्रामे का करते हैं। मसला सिर्फ इतने फंस जाओ तो इसी तरह से यही कर इखलाकी दबाव डालो, कभी अदलिया के ऊपर, कभी पुलिस के ऊपर, कभी इदारों के ऊपर। ये वही चीज है जो पैनिट्रेट की हुई है इस पूरे माशरे के अंदर। फिर मेरे भाई इकोनॉमी की बात करें, मैं तो चाहती हूं मेरे से इकोनॉमी पे डिबेट करें, इसलिए इकोनॉमी पे डिबेट करें कि जब यहां पर आकर इनके ओपोजिशन लीडर बगैर किसी स्टैट्स के आके कहते हैं इकोनॉमी तबाह कर दी, मुझे ये बताएं एक्सपोर्ट्स कहां पर छोड़ के गए थे? आज अगर सिर्फ मैं इनके इरा से कंपेयर करूं, जुलाई टिल नवंबर 27% एक्सपोर्ट्स बढ़ गई है, एक्सपोर्ट्स ऑफ द सर्विसेज 25% बढ़ गई है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 30% बढ़ गई है, आईटी के एक्सपोर्ट कभी पूछा नहीं था 39% बढ़ गई है, FBR रेवेन्यू ये कहां पर छोड़ के गए थे? आज हम अपने टारगेट से 37% अप कर गए। डॉलर का रेट कितना बढ़ गया ये बता दें साथ साथ हम। आलिया देखें जी, मेरी एक बात सुने, मैं तो सिर्फ इतनी बात करूंगी, ये अभी बात कर रहे थे ना इकोनॉमी की, मैं डॉलर की बात का ही जवाब दे रही हूँ, इकोनॉमी की बात कर रहे थे ना, मुझे एक बात बताएं कौन सी इकोनॉमी अच्छी होती है? $19 अरब का आप करंट अकाउंट खसारा छोड़ के जाएं, $7 बिलियन के आपके रिजर्व पड़े हो, यानी $7 बिलियन से अभी तो सिर्फ मैं पेट्रोलियम 4 महीने के $10 बिलियन खरीद रही होती हूँ। मुझे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब दानियाल साहब, वह देखिए जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, हुकूमत के खिलाफ ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, करप्शन बढ़ने की बातें हो रही हैं, महंगाई बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑपोजिशन का रवैया देखती हूँ, ऑपोजिशन का किरदार देखती हूँ, तो पिछले 2 साल से सर PDM के जलसे जुलूस चल रहे हैं, आप लोग अभी तक लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं कर सके हैं सर, कोई बड़ा डेंट नहीं लगा सके हैं सर हुकूमत को अभी तक। देखिए ये वाहिद हुकूमत है, ये ऐसे पहलवान हैं जो अपने वजन से खुद गिर रहे हैं, और ये अपने वजन से रोज गिर रहे हैं, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं और आप इनके लिए फ्रेंडली ऑपोजिशन बने करते हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम नहीं हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ऑपोजिशन के साथ इनकी हर जगह इनको आईना दिखा रही है और बार बार आईना दिखाती रही है, लेकिन हम इनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। जो लोग जिन लोगों ने आज इनको वोटें दिए वो अपना मुंह छुपाते हैं, आप हल्के में देहातों में जाके आप बात करें, हम अपने हल्कों में जाते हैं, जिन्होंने इनको वोटें भी दी थी वो भी कहते हैं ऐसा वोट नहीं देती ना कि, क्योंकि ये लोग ये क्यों बार बार ऐसी बातें करें कि लोगों को रियलाइज हो गया ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, लोगों को रियलाइज हो गया ये करप्शन का नारा लगाने वाले, दोनों की सिचुएशन बिल्कुल वाजे कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया अनियाल साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, आलिया हमजा साहिबा आप भी साथ मौजूद थी। इसी पर मजीद राय के लिए माहिर कानून है वकास अबरेज खान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वकास, मौजूदा हुकूमत ने कोई भी ऐसा बड़ा काम किया है जुडिशरी के निज़ाम में मजबूत तब्दीली के लिए, जिसके लिए हुकूमत को कानून साजी की जरूरत ना हो और वजारत कानून के जरिए हो सकते हो? किरण, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा इस पे कि बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शफा क्यों नहीं देते, और मिट जाएगी महलूक तो तब इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। किरण, जहां तक जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात है तो पाकिस्तान में 70 सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म हर गवर्नमेंट ये बात करती है, लेकिन सूरत हाल इस वक्त जुडिशियल इमरजेंसी नाफिज करने की है। चूंकि जो आपने बात की कि हुकूमत जो है इस वक्त पार्लियामेंट के बगैर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। आपको याद होगा कि जुलाई 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब के केस की एडजुडिकेशन करते हुए
ये डायरेक्शन दी थी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को कि आप 120 नैब कोर्ट को एस्टेब्लिश करें और 926 जो जेर इल्तबा मुकदमात हैं जिनमें 1200 अरब रुपए की जो पेंडेंसी है उसको आप एडजुडिकेट करें और एक महीने के अंदर इसका फैसला दे। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती है जुडिशियल सिस्टम की कि एक महीना तो दूर, एक साल छह महीने गुजर गए हैं, ना नैब कोर्ट एस्टेब्लिश की गई, ना नैब के अंदर वो अमेंडमेंट्स की गई। और सेकेंडली, इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे आला अदलिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 52,000 केसेस जो इस वक्त पेंडिंग है, 2017 की अपीलें वहां पे हेयरिंग के लिए सेट की जाती है। और अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें, खान साहब ने कुछ अरसा पहले कहा था कि हमें 6 महीने लग गए समझने में कि निजाम को चलाना कैसे है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए अभी भी लगता है कि शायद अभी भी हुकूमत समझ ही रही है कि निजाम को चलाना कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कानून सबरेज खान प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो बिपिन रावत के हवाले से बात करूंगी। तैयारा हादसे में हलाक हो गए, अब ये तैयारा गिरा है या गिराया गया है, सोशल मीडिया पर इस पर बहस छिड़ी हुई है, तफसीली तौर पर बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए हैं। यह हादसा तमिलनाडु के इलाके कन्नूर में पेश आया है जब वो अपनी अहलिया के साथ एक मेडिकल कॉलेज की तकरीब से खिताब के लिए जा रहे थे। दिफाई मावन, सिक्योरिटी कमांडोज और इंडियन एयरफोर्स के पायलट समेत हेलीकॉप्टर में 14 अफराद सवार थे जिनमें से 13 की हलाकत की तस्दीक हो गई है। जनरल बिपिन रावत को 31 दिसंबर 2016 को आर्मी चीफ बनाया गया और इस ओहदे से रिटायरमेंट के बाद उन्हें 1 जनवरी 2020 को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया था। ये यूं कह लीजिए कि बिपिन रावत को फौज में रखने के लिए ये ओहदा तख्लीक किया गया था। इंडियन फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये ओहदा 4-स्टार जर्नल का है। ये तीनों अफवाज के सरबराहान के बराबर हैं, इन्हें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बड़ा करीब समझा जाता है, इसलिए वो दिफाई उमूर पर बराह रास्त वज़ीर आज़म के साथ रबते में होते थे। जोहरी कमांड अथॉरिटी के फौजी मुशीर भी थे। फजाई हादसे में अहम अस्करी अहदेदार की हलाकत का ये पहला वाकया नहीं है। जनरल ज़ियाउल हक का जहाज़ भी सन 1998 में कुछ इसी अंदाज में हादसे का शिकार हुआ था जिसमें जनरल ज़ियाउल हक समेत 30 फौजी जनरल जाबहक अमरीकी साख हुए थे। फिर 19 जनवरी 2003 में पाकिस्तान एयरफोर्स का फोकर तैयारा कोहाट के करीब गिर कर तबाह हुआ जिसमें उस वक्त के फजाइया सरबरा एयर चीफ मार्शल मुसफ अली, अपनी अहलिया और 15 दीगर अफराद समेत जा बहक हुए थे। उसी साल दो बड़े अस्करी फजाई हादसात हुए। नाइजीरिया के आर्मी चीफ इब्राहिम अतारो फजाई हादसे में हलाक हुए और फिलिपाइन में फौजी तैयारा हादसे में तबाह हुआ और 50 फौजी अफसरान जा बहक हो गए थे। ज़्यादातर अस्करी तैयारे या हेलीकॉप्टर ही क्यों फजाई हादसात का शिकार होते हैं, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी, इस पर मैं आगे चल के बात करती हूँ। सबसे पहले तो ये बिपिन रावत का जो तैयारा गिरा है ये सबसे पहले तो मारिया, आपने वीडियोस या जो कुछ इंडियन मीडिया पे दिखाया जा रहा है, अगर आपने इसको देखा हो, एनालिसिस किए हो, क्या लग रहा है आपको, ये हादसा लग रहा है या कोई साजिश लग रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये अब सवाल उठाया जा रहा है। देखें, जिस हेलीकॉप्टर में वो परवास कर रहे थे वो इस वक्त अपनी नौइयत का और अपनी साख्त के लिहाज से एक मज़बूत हेलीकॉप्टर है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आर्म्ड जो है मल्टी रोल जो है मुख्तलिफ किस्म के किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये अपनी हैसियत में एक स्टेबल हेलीकॉप्टर के तौर पे देखा जाता है। और रशियन साख्त का ये जो हेलीकॉप्टर है इसके अंदर जो है ग्राउंड अटैक से लेके मतलब आपके पास मुख्तलिफ जो मिलिट्री फंक्शंस हैं, ये सपोर्ट के अलावा, कॉन्वॉय एस्कॉर्ट के अलावा, ये तमाम काम ये हेलीकॉप्टर कर सकता है। इसलिए इसका इस तरह गिरना और फिलखसूस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेलीकॉप्टर का इस तरह गिरना ये कोई आम बात नहीं है। इसमें ज़ाहिर है या तो कोई टेक्निकल अगर फॉल्ट आया है तो वो भी बग़ैर साजिश के आप नहीं कह सकते, उसको रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब भी कोई इस सतह के ऊपर कोई बंदा ट्रैवल करता है तो उसके लिए ख़ास एहतियात की जाती है, ना सिर्फ एहतियात की जाती है लेकिन ये देखा जाता है कि उसका जहाज़ उस सतह के ऊपर है। और अगर ये नहीं है, टेक्निकल बेसिस की वजह से ये क्रैश नहीं हुआ, तो फिर मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लिए बहुत सारे ख़तरात हैं, क्योंकि जिस इलाके में गिरा है वहाँ आप ये समझ सकते हैं कि शायद
وہاں کوئی اور چیز نیچے سے جو ہے اس کی وجہ بنی ہے. یہ تمام چیزیں ابھی واضح نہیں ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے ہندوستان کی طرف سے کیا بیان آتا ہے. یہ ریزن کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ زیادہ تر فضائی حادثات ملٹری ایئر کرافٹس اور ہیلی کاپٹرس کو پیش آتے ہیں ماریا؟ نہیں, زیادہ تر تو نہیں آتے یوں. یہ بہت اسٹرانگ, جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک اسٹرانگ اپنی نوعیت کا ایک مضبوط ہیلی کاپٹر ہے, ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر ہے جو بالخصوص اس قسم کے مشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ہندوستان میں 2018 سے یہ جو رشین ساخت کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں اس کے اندر آپ کو یہ تقریباً اپنی نوعیت کا تقریباً چوتھا یا پانچواں واقعہ جس میں ان کے ہیلی کاپٹر نیچے گرے. ایک ان کا ہیلی کاپٹر اسی نوعیت کا جو ہے کارگل, اسی نوعیت کا بالا کوٹ اسٹرائکس کے بعد ان کے ہندوستان کے اپنے جو اسپائڈر سسٹم ہے اس کے ساتھ ٹکرا کے گر گیا. تو یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس وقت شاید روس اور ہندوستان کے درمیان جو ٹیکنیکل ریپیئرز ہیں یا جو دفاعی معاہدے تھے ان تمام چیزوں کو مینٹین کرنے کے, وہ شاید اس سطح کے اوپر نہیں چل رہے ہیں. کیونکہ اگر مینٹیننس کے ایشوز کی وجہ سے گر رہے ہیں تو پھر یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں. لیکن اگر یہ مینٹیننس کے ایشو کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اوور آل ہندوستان کے اندر جو اس وقت ان کی ایئر فورس ہے اور ان کی جو ایویشن بیسز ہیں وہ شاید اس سطح کی ٹریننگ مینٹین نہیں کر رہی ہیں, اور جو انٹیگریشن کرنے کی کوشش کرتے یہ بپن راوت صاحب. ماریا صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے آپ نے کہ زیادہ چانسز ہاتھ سے نہیں بلکہ کسی مضبوط سازش کے لگ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ماریا, سلوگرام میں میرے ساتھ موجود تھی. کوئکلی ناظرین آگے بڑھ رہی ہوں. چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب آج جو ہے وہ خود سی ایم ہاؤس میں پریس کانفرنس کرنے آئے اور بتایا کہ اب جو بلدیاتی نظام پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے نا یہ بہترین ہے اور اسے کراچی کو ڈلیور کرنے میں آسانی ہوگی. اس نظام سے لوکل گورنمنٹ کو خود کفیل بنانا چاہتے ہیں. تو میرا بڑا معصومانہ سوال ہے بلاول صاحب, 14 سالوں سے آپ ہی سندھ کے حاکم ہیں, کل بھی آپ حاکم تھے, آج آپ کو یاد آیا کہ اب آپ کو تب معلوم ہوا کہ تبدیلی نظام میں مسائل تھے, تبدیلی ضروری ہے, بلدیاتی نظام میں مسائل تھے, اب آپ کو ڈلیور کرنے کا احساس ہوا, اس بات کا خیال آیا؟ اس سے پہلے بھی 10 سال سے آپ ہی کا لایا ہوا نظام چل رہا تھا, اگر وہ درست نہیں تھا یا اس میں کراچی کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں تھیں تو وہ بھی تو آپ ہی کا لایا ہوا نظام تھا. خیر, پیپلز پارٹی سندھ میں غیر قانونی عمارتوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے آرڈیننس لانے کی کوشش کر رہی ہے. آج جب رپورٹر ہیں ہمارے ساتھ صابری, جب انہوں نے سوال کیا کہ جب ہمیں معلوم ہے عدالت میں ایس بی سی اے کی کرپشن کی گونج ہوتی ہے تو سندھ حکومت نے 14 سال میں کیا کارروائی کی, تو پھر جواب بڑا اعلیٰ ملا ہے. سنیے ذرا. حکومت ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی جو کہ لینڈ جو ہے ریونیو میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ایس بی سی اے کے وہ افسران ہیں؟ ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ جانتے ہیں, کراچی کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ شہر میں کہیں نہ کہیں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہوں گی. تو چیف جسٹس کی بات کی جاتی ہے, عدالت کی بات کی جاتی ہے, بلڈر کی بات کی جاتی ہے, ان افسران کی بات نہیں کی جاتی جن کے سگنیچر کے بعد اس طرح کی غیر قانونی تعمیرات کی جاتی ہیں. بالکل ایسی ہی تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے کہ میرا جو سٹانس ہے ان ایشوز پہ پہلا دن سے کافی کلیئر رہا ہے, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ بلا وجہ ہم عام آدمی کو, غریب آدمی بھی لیکن جو لوور مڈل کلاس کا آدمی ہو, ان کو اس معاشی حالات میں, اس مشکل وقت میں مزید مشکلات ہم کیوں پیدا کریں. میں ویلکم کرتا ہوں سندھ حکومت کا یہ کوشش کہ وہ آرڈیننس کے تھرو غریبوں کی, کچی آبادیوں کو تحفظ دلوانا چاہ رہے ہیں. اور اگر کوئی عدالت کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کوئی سزا دینا چاہیے تھا تو ان بیچارے لوگ کو جو اس بلڈنگ میں رہ رہے تھے ان کو ہم نہیں دیتے, انہیں کو دیتے جو اس غلط کام میں انوالو تھا. لیکن میرا خیال میں یہ مصطفیٰ کمال اس وقت کا لوکل باڈی نظام کا انچارج تھا, لیکن ہمارا سندھ حکومت بھی ہوا ہوگا جو بھی اس انسیڈنٹ میں اگر کسی نے غلط نیت کے ساتھ غلط کام کیا ہے تو ان کو پکڑنا جانا چاہیے. مگر وہ ہدایت نہیں دیا گیا ہے. ہدایت جو دیا گیا ہے وہ انفارچونیٹلی بلڈنگ گرانے کا ہے, اینڈ یہ بس افسوس کی بات ہے.
साद साबरी साथ मौजूद है मेरे साथ. सवाल तो आपका बेहतरीन था लेकिन वही धाग के तीन पात के मुतरादिफ जवाब वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं मिला या जो इसका जवाब होना चाहिए था वो नहीं दिया. घुमा गए बिलावल आपको. अदालत ने ये किया, अदालत ने ये फैसला दिया, अदालत ने वो हुक्म सादर किया लेकिन सिंध हुकूमत ने क्या किया ये नहीं बताया. जी किरण बिल्कुल ऐसा ही है. ये आज सूबाई वजीर सईद गनी की जानिब से एक सहाफ़ियों के लिए यहाँ पर बैठक लगाई गई थी सीएम हाउस में जहाँ पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए और उन्होंने जो है वो सहाफ़ियों से कुछ सवाल लिए. तो उसमें एक सवाल मैंने भी किया उनसे और उनसे ये पूछा कि जो इस वक्त नस्लाटार का मसला है हर आदमी ये जानना चाहता है कि वहाँ के जो मकीन थे उनको परेशानी हुई, अदालत ने उसके खिलाफ जो है उस गैरकानूनी इमारत के खिलाफ फैसला सुनाया. पर हर शख्स ये जानना चाहता है कि जिन अफसरान के दस्तखत से उसके नक्शे और उसके दीगर एनओसीज मंजूर हुई वो अफसरान आखिर कहाँ हैं, उनके खिलाफ हुकूमत कब कार्रवाई करेगी. सिंध हुकूमत उस वक्त की सूबाई हुकूमत थी जब जी हाँ किरण उस वक्त सिंध हुकूमत उस वक्त भी सूबाई हुकूमत थी जब जो है इसका नक्शा पास हो रहा था, इसके दीगर मराहिल तय हो रहे थे. तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई 2 से 2.5 मिनट इसका जवाब दिया और उन्होंने उसमें ये बताया कि वो नहीं चाहते कि आम आदमी को कोई परेशानी हो, उनसे घर छीना जाए. उसका एक उन्होंने उसका पहलू ये भी बताया, उसका रुख मोड़ दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद टावर्स के या बनीगाला के हवाले से फैसले सुनाए तो उनका ये कहना था कि वैसे 2 से 2.5 मिनट इसलिए उनका जवाब सुना होगा कि शायद वो फिर इस बात पर जो सवाल आपने किया है उसका जवाब दे दें लेकिन फिर मायूस. अली हफीज भी साथ मौजूद है मेरे, पोस्टमार्टम करते रहते हैं इन सारे मामलों का. अली ये SBCA का सिस्टम किस तरह चल रहा है और क्या बिलावल साहब की ये 14 साल हुकूमत इनमें किसी एक करप्ट ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हुई है. जी बिल्कुल, 2008 से जो है सिंध में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है. 2012 में कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया गया था. उसके सरबरा थे, डीजी बनाए गए थे मंजूर कादिर उर्फ काका, बहुत ही करीबी है पीपल्स पार्टी की आदत के. उन्होंने जो गुल खिलाए थे, जो कराची में गैर कानूनी तामीरात की थी, उसके बाद 2015 के अंदर जो है SBCA के दफ्तर में रेंजर्स ने छापा मारा था उनकी गिरफ्तारी करने के लिए. तो इस्लामाबाद में खड़े होकर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि बस कर दो उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा पड़ा तो उसकी जो है उससे परेशानी का इजहार जो है आसिफ अली जरदारी ने किया था. SBCA की सरपरस्ती के अंदर कराची के अंदर गैर कानूनी तामीरात जो है धड़ल्ले से की जा रही है. सिस्टम जो है मंजूर कादिर क्या शोहरत रखते हैं कराची के अंदर, क्यों मतलूब हैं, क्यों रेफरेंस के 2 नैब के रेफरेंस बने हुए उनके खिलाफ, क्यों उनको किस शख्सियत ने कैनेडा फरार करवाया है, ये तमाम ताने बाने जो है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से मिलते हैं. कराची के अंदर साबिक DG SBCA चाहे आगा मकसूद अब्बास हो, इसके अलावा कई नाम जो है अभी भी जो है जमील मेमन हो और किरदार है समा, तमाम किरदार को बेनकाब करता आ रहा है कि शहर कराची अंदर SBCA के अंदर सिस्टम चलता है, तमाम टाउन जो है पट्टे पे दिए जाते हैं. चीजें निकाल के लेकर आते हैं ना अली, तो फिर अंदाजा होता है कि जो गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करने की कोशिश सिंध हुकूमत की जानिब से की जा रही है ये शायद फिर उन्हीं तमाम माफियाज को शेल्टर देने के लिए की जा रही है. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आते साथ साबरी भी मेरे साथ. एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी. एक बार फिर खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन आपको. मरहूम उमर शरीफ साहब का सबसे बड़ा ख्वाब क्या अब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा. उनका इफ्तिताह करदा माँ अस्पताल खंडर लगने लगा है, एम्बुलेंसेस खस्ता हाल हैं, अस्पताल में कुत्तों का राज है, आंखों देखा हाल मेरा दिखाती हूँ आपको. उमर शरीफ अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत करे, उनको उनके बरजस्ता जुमलों की वजह से, उनकी कॉमेडी की वजह से, उनकी खूबसूरत यादों की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा. लेकिन उमर शरीफ को याद रखने की एक और वजह उनकी एक वो ख्वाहिश भी थी, जो एक वो अस्पताल बनाना चाहते थे, माँ के नाम से अस्पताल बनाना चाहते थे और वो बन भी गया, तैयार भी हो गया, सिता भी हो गया. लेकिन उसके बाद फिर ये बंद हो गया. लेकिन जो हालत मुझे दिखाई दे रही है
कुत्तों की भरमार है अंदर, जो एम्बुलेंसेज वगैरह जो वहाँ पर खड़ी हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको जगह जगह लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा शानदार इफ्तिता उसका एम्बुलेंस का, लेकिन अंदर जो एम्बुलेंस मुझे दिखाई दे रही है वो जंगालूद हो चुकी है, मिट्टी से अटी हुई है। दूसरी तरफ एक एम्बुलेंस मुझे दिखाई दे रही है जो शायद कदरे बेहतर हालत में है। एक दफ़ा ओपनिंग हो चुकी है और उसके बाद यहीं के मकामी लोग मुझे बता रहे हैं कि उमर शरीफ साहब खुद आए थे, उन्होंने यहाँ का इफ्तिताह किया था, उसके बाद चले गए थे। अब 2006 से 2021 यानी अस्पताल तैयार है लेकिन अस्पताल एक्टिव नहीं हो सका है, लोगों को यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल नहीं सकी हैं। कुछ इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं। ये कब बना था हॉस्पिटल? ये बनने में तकरीबन 15 साल पहले तैयार हो चुका था। उमर शरीफ आए तकरीबन 5 साल हुआ अभी। 5 साल के बाद आगे डोर काटा, तीनों एम्बुलेंस दिखाया, बोला हमारा ओपीडी चालू हो गया। सही। अब हम लोग आए 12 मई को, बंद हॉस्पिटल बंद। हाँ। चौकीदार से पूछे, डॉक्टर को यहाँ नहीं रहा। ये एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये इस हॉस्पिटल के बारे में पता है आपको, कैसा बना हुआ है अंदर से? गए कभी कोई इलाज मुआवजा वगैरह लिया आपने? इलाज के हवाले से तो कभी इसमें इलाज का कोई प्रोसीजर रहा नहीं है, ठीक है। और ये जब बना था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, अभी तो इसका हालात बहुत खस्ता हो गया। जैसे इसके वायरिंग वगैरह का, प्लम्बर वगैरह का काम है, उस जगहों से बुनियादें गिर चुकी है। सही। अभी भी ऐसा लगता है कि इसको तामीरात होने में कम से कम 6 माह का अर्सा लग जाएगा, और सफाई सुथरा का किसी चीज़ का ख्याल नहीं, और हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा खस्ते हालात में। सही। ये कुछ रूम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये डॉक्टर्स रूम है, और इसके बाद ये का क्या है यहाँ पर? ऑपरेशन थिएटर। अच्छा, ये बन रहा है, ये अभी तैयार हो रहा है। यहाँ पर इसका कुछ सामान वगैरह मौजूद है, ग्रेजुअली इसको अब बनाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर मुझे ठीक ठाक कीड़े मकोड़े वगैरह दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारी व्हील चेयर्स वगैरह के साथ कुछ चुपकलियाँ वगैरह भी दिखाई दे रही हैं सामने। अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये एक जनरल वार्ड टाइप का बना हुआ है कि जो इमरजेंसी में या ओपीडी में मरीज़ आते हैं उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए, फौरी तौर पर ट्रीट करने के लिए ये बेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ये बेड्स मुझे कुछ कुछ सही हालत में, और ये वाला हिस्सा एटलीस्ट कदरे बेहतर और साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। हसीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इदारा तालीमुल इस्लाम के चेयरमैन हैं, और ये जो ज़मीन है ये इसी ट्रस्ट की है जिसको ये लुक आफ्टर कर रहे हैं। अच्छा, इसकी ये जो ज़मीन है ये कितने रकबे की ज़मीन है? ये तकरीबन 5 एकड़ का रकबा है। 5 एकड़ का रकबा है। ये जो कंप्लीट मुझे दिखाई दे रहा है, इसको बनने में कितना टाइम लगा था? ये मुकम्मल कब हुआ था? कब इसको उमर शरीफ ने इफ्तिताह किया था इसका? 16 दिसंबर 2006 को हमने इसका संग मिलाद रखा था, उसके बाद ये ग्रेजुअली जो है वो इसका काम स्टार्ट हुआ। सही। लेकिन आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली कराची के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, औरंगाबाद टाउन के अपने अंदरूनी हालात जो हैं वो कराची के हालात से भी ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो कुछ ऐसे मामला आते रहे कि जिसकी वजह से काम रुक गया, किसी वक्त हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। सही। और उमर सफाई की अपनी मसरूफियात, उनकी तबीयत की खराबी, तो उसकी वजह से काम मुख्तलिफ वक्त में रुकता रहा और मुसलसल होता रहा। ये तकरीबन समझे 2017 में इसका ये तकरीब मुकम्मल हो गई थी। सही। ये तो उसके बाद उमर भाई यहाँ तशरीफ भी लेकर आए थे, उन्होंने एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन उस वक्त भी मुकम्मल स्टार्ट नहीं हुआ था। पहले हमने जो था ओपीडी का भी फंक्शन ये मुकम्मल हुआ था, इमारत मुकम्मल हुई थी, उसके बाद हमारा आगे प्रोग्राम इसको जनरल हॉस्पिटल बनाने का। सही। तो उसमें यही था कि वो अपनी, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे और उमर भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से ये स्टार्ट नहीं हो सका उनकी ज़िंदगी में। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हो जाए। बहरहाल हमने 2 मरतबे कोशिश भी की, एक मरतबा हमने पहले ही एम्बुलेंस सर्विस शुरू की थी। इससे पहले लोग मुझे बाहर के बता रहे हैं कि पहले भी एक दफ़ा हो चुका है, डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं थे, फिर उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की भी डेथ हो गई, तो वो क्या लोग बता रहे हैं? नहीं, वो ऐसा जो है उसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ अभी तक स्टार्ट ही नहीं होता ये। दोबारा फंक्शनल कब से होने जा रहा है? इंशाल्लाह जितनी भी जल्द, मतलब कल परसों, जितना मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं इसको फौरन फंक्शनल करके और आवाम के लिए खोल दूँ, ताकि सहूलत उनको मैसेज आ गए नो प्रॉफिट नो लॉस पर। सही। ताकि जो है इसके अखराजात इतने बर्डन ना पड़े कि वो बाद में किसी मुश्किल की वजह से ये बंद हो जाए। तो इंशाल्लाह कुछ ऐसा प्रोग्राम कर रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये चले और आवाम की सहूलत के लिए ये। हाल आपने देख लिया है, उमर शरीफ साहब की बेवा मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, ज़रीन गज़ल साहिबा। माँ अस्पताल का इफ्तिताह तो उमर शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में कर दिया था, फिर इसके बाद क्या कुछ हुआ? जब वहाँ पर गई हूँ, अस्पताल का बहुत बुरा हाल देखा है आपने,
زرین آپ نے حال دیکھا ہے عمر شریف ٹرسٹ کے تحت اور بھی پروجیکٹس ہونے زمین زمین پر؟ یہ 3 سال پہلے جو ہے نا ہاسپٹل ہو گیا تھا, تو پھر یہ کہ میں نے میڈیا کو بلایا تھا اور دکھایا بھی تھا, اے سی بھی لگ گئے تھے, بیڈ وغیرہ بھی بچ گئے تھے, ساری عمر نے اپنے ہاتھوں سے وہاں پینٹنگس وغیرہ بھی لگائی تھی, ہم لوگ گئے تھے. لیکن وہ مسئلہ یہ ہوا کہ پھر وہ عمر کی جب بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی, ہرا کا جب وہ ڈائلسس کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا, تو اس کے بعد جو ہے نا عمر کافی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے تھے اور بہت مطلب وہ ٹوٹ گئے تھے, تو وہ اس ہاسپٹل کو ہم لوگ دیکھ نہیں سکے اس کے بعد. اچھا پھر یہ کہ جو نگت مرزا تھیں جن کے اور جو حسیب بھائی وغیرہ, تو ان سے وہ لوگ میرے خیال میں سعودی عرب میں چلی گئے تھے اور وہ وہیں پہ رہتی ہیں, تو ان سے بھی ہمارا جو ہے نا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا, تو پھر ہم ویٹ کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہاسپٹل کا کچھ کریں گے. تو بس اس سلسلے میں یہ کہ بس بات چیت چل رہی تھی کر رہے تھے, تو بس پھر یہ کہ دیکھا نہیں, ظاہر ہاسپٹل میں چوریاں وہاں کے ہی لوگ جو ہے انہوں نے ہی وہاں پہ چوریاں بہت ہوئی, وہ شیشے توڑ کے اندر آ جاتے تھے. اب اس جگہ پہ جو ہے نا سب کچھ کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے. پھر ہم ویٹ کر رہے تھے کہ نگت مرزا آ جائیں سعودی عرب سے, تو پھر کچھ اس کا کریں, اور پھر اسی دوران پھر عمر کی بھی طبیعت کا وہ ہو گیا, پھر عمر کی آپ کے سامنے کہ عمر ہی اس دنیا سے چلے گئے, تو وہ آ گئی ہیں. تو اب انہوں نے کہا زرین میں یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی آپ سے, عمر شریف ٹرسٹ کے تحت اور بھی پروجیکٹس ہونے زمین پہ, کافی بڑا رقبہ ہے اس کو دیکھا میں نے. دیکھیں عمر کے ٹرسٹ تو نہیں, عمر کے ٹرسٹ کے تحت یہ ہاسپٹل ہی بننا تھا جو وہ بن گیا ہے, تو اب وہ لوگ جو ہے حسیب بھائی وغیرہ جو اس ہاسپٹل کو دیکھیں گے, اب وہ لوگ اپنے ہی ٹرسٹ کے تحت چلائیں گے, عمر کے ٹرسٹ پہ نہیں یہ چلے گا ہاسپٹل. اس زمین پہ انہوں نے ان کے والد کی زمین تھی جس پہ انہوں نے اسکول اور کیا کہتے ہیں مسجد اور ایک ہاسپٹل بنانا تھا, تو ہاسپٹل کا انہوں نے عمر کو کہا تھا کہ آپ ہاسپٹل بنا دے, تو الحمدللہ وہاں بھائی مسجد بھی بنی تھی اور انہوں نے اسکول بھی بنایا ہے, اور باقی زمین پہ جو ہے نا ہاسپٹل عمر نے بنایا ہے. اچھا زرین, عمر شریف صاحب نے اپنی زندگی میں جو فنڈ ریزنگ اسپتال کے لیے کی تھی, اس میں سے اس پر کتنا خرچ ہو چکا ہے اور کیا مزید فنڈز بھی اکٹھا کیے جائیں گے؟ دیکھیں عمر کے ٹرسٹ, عمر نے جو اپنے ٹرسٹ کے تحت جو ہاسپٹل بنایا نا تھا وہ عمر نے بنا دیا ہے, وہ پورا ہاسپٹل مطلب کمپلیٹ ہے, اس میں ہر چیز لگی ہوئی ہے. اب یہ کہ ظاہر ہے 2-3 سال سے اس کو دیکھا نہیں ہے, تو اس لیے اس کی حالت خراب ہو گئی اور ظاہر ہے چوریاں ہو گئی, مگر یہ کہ جو فنڈس وغیرہ جتنے تھے وہ سب ہاسپٹل میں لگ چکے ہیں, آڈٹ عمر ہر سال کراتے تھے, اور دوسرے کہ اب جو ہے عمر کا ظاہر نام سے ہی چلے گا, عمر نے ہی بنایا ہے وہ ہاسپٹل, مگر چلائیں گے وہ لوگ ہی. تو میری بات ہوئی تو یہی ہوئی تھی کہ ان کے ڈاکٹر کا پینلز وغیرہ سب بنی ہوئی ہے, باقی جو ہمیں اگر کوئی چیزیں چاہیے ہوں گی تو وہ جیسے عمر بھی یہی کرتے تھے کہ عمر پیسے مانگنے کے بجائے کہتے تھے کہ جی ہاسپٹل کے لیے آپ یہ چیز ڈونیٹ کر دیں. جیسے میری بھی امریکہ میں ایک دو لوگوں سے بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ جیسے وہاں کے ہاسپٹلس کا جو پرانا سامان نکلتا ہے وہ جو ہے نا وہ مختلف ہاسپٹلوں کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں, تو میری بات ہوئی بھی ہے, تو جب ان شاء اللہ تعالیٰ بھی یہ صفائی وغیرہ ہو جائے گی تو ہمیں عمر کے جو دوست وغیرہ ہیں وہ وہاں سے امریکہ سے جیسے سامان وغیرہ بھیج دیا کریں گے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. باقی ظاہر ہے وہ ایمبولینس وغیرہ بھی عمر نے کافی لی ہوئی تھی وہاں, لیکن یہ کہ چونکہ وہ نہیں, ظاہر ہے ہاسپٹل ہی نہیں چلا تھا تو وہ خراب, 2-3 خراب ہو گئی ہیں, 2 تو انہوں نے ایمبولینس کی جو ہے نا سروس اسٹارٹ کر دی ہے, وہ لوگ مختلف علاقوں سے جو ان کو کالز آتی ہیں, تو پھر جو آپ جن ایمبولینسز کا ذکر کر رہی ہیں, جب میں وہاں گئی تو ایمبولینسز کی حالت تو بہت بہت ہی خراب تھی, برباد تھی. جی میں وہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ ظاہر ہے 2-3 سال سے, وہ تو جب سے ایمبولینس لی ہے, بلکہ 2-3 سال نہیں, ایمبولینس کو تو کافی ٹائم ہو گیا ہے, کیونکہ وہ عمر نے ایک رمضان ٹرانسمیشن میں ایک پروگرام کیا ہی اس کے لیے تھا, ایمبولینس کے لیے کیا تھا انہوں نے, تو وہ ایک ایمبولینس ان کی تھی اور ایک ایمبولینس اور مشرف صاحب نے شاید وہ دی تھی, تو وہ ظاہر ہے وہ تو جب ہاسپٹل ہی نہیں آن ہوا تو وہ ایمبولینس سروس بھی نہیں شروع ہوئی ہے, تو وہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ پھر گاڑیاں تو خراب ہو ہی جاتی ہیں, تو اب وہ سب وہ چیزیں وہ صحیح کروا رہے ہیں, اور اسی لیے جو ہے ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ساری صحیح ہو جائیں, تو اس کے بعد پھر وہ لوگ جو ہے نا پریس کانفرنس کر کے. اچھا زرین, آپ خود کیا پلان کریں گے اپنے لیے, کیا آپ جایا کریں گے اسپتال اور عمر شریف صاحب کا جو کاسٹ تھا اس کو آپ آگے لے کر چلیں گی؟ جی بالکل میں جایا کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ, جو مجھ سے ہو سکے گا وہ میں کروں گی, مگر وہی بات میں کہہ رہی ہوں کہ نہ میں عمر کا
कोई ट्रस्ट चलाऊंगी ना मैं कोई उनका हॉस्पिटल चलाऊंगी, बट ये कि जाहिर है वो मेरे शौहर ने हॉस्पिटल बनाया तो उसमें मैं जाके देखा करूंगी और जो मुझसे काम हो सकेगा वो मैं जरूर करूंगी इंशाल्लाह। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जिग्राम में साथ मौजूद थी, वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।